अगर वीपीएन का इस्तेमाल मियां खलीफा को देखने के लिए करते हैं, या वीपीएन का इस्तेमाल अनलिमिटेड इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं, या वीपीएन का कोई बिजनेस करता है, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि मैं हमेशा पहले भी कह चुका हूं, अपना दिल और मोबाइल का गैलरी हमेशा साफ रखना। अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, जो लोग भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए सख्त वार्निंग है। कई लोग वीपीएन को चलाते हैं अनलिमिटेड इंटरनेट चलाने के लिए, कई लोग वीपीएन के जरिए अपना बिजनेस भी करते हैं, 10 रियाल में 15 रियाल में 20 रियाल में अनलिमिटेड डेटा सेल करते हैं, बेचते हैं, उन लोगों के लिए भी सख्त वार्निंग है। और जो लोग भी वीपीएन को कनेक्ट करके किसी गलत वेबसाइट पर जाकर कोई चीज़ देखते हैं, उन लोगों के लिए भी अलग से कानून है। तो 2023 में क्या लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और कई लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट पे मुझे चेकिंग किया गया है, मेरे मोबाइल को भी चेक किया गया, तो क्या हम फंस सकते हैं। और कई लोग परेशान है कि भाई जो हम इंटरनेट चला रहे हैं फ्री में वीपीएन को कनेक्ट करके, क्या हमारे ऊपर बिल आ रहा है, जाने के टाइम में एयरपोर्ट पे मुझे भरना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ, वीपीएन का इस्तेमाल करना सही है या गलत है, या आपके मोबाइल में गलत फिल्म मिलता है चेकिंग के दौरान तो क्या आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी और सही जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाई सद्दाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सऊदी हो, दुबई हो, या गल्फ के किसी भी कंट्री में आप गलत चीज़ गलत वेबसाइट पर जाकर नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक इंडिया में भी बैन है, जो लोग भी पोर्न वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं, देखते हैं, मियां खलीफा हो या सनी लियोनी हो, उन लोगों को देखते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। और आप लोगों के ऊपर गवर्नमेंट का भी नज़र है, अगर आप इन वेबसाइट पर जाकर हमेशा चेक करते हैं तो आप कभी ना कभी फंस सकते हैं, क्योंकि गूगल की भी नज़र आपके ऊपर है कि आप गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वीपीएन का इस्तेमाल करना गलत है या सही है। और काफी लोगों का कहना है कि जब वीपीएन का इस्तेमाल करना गलत है तो वीपीएन प्ले स्टोर पे क्यों है। जैसा कि गल्फ कंट्री में आप गलत वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग और काफी लोग वीपीएन को कनेक्ट करके उसे ओपन कर लेते हैं, तो आखिर में वो चलता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वीपीएन का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप फंस सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप व्हाट्सएप पे बात करने के लिए कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कई गल्फ कंट्री में व्हाट्सएप को बैन कर दिया गया है, यानी कॉलिंग नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन आप कॉल करने के लिए कनेक्ट करते हैं, या और भी कोई वेबसाइट है आप अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन गलत चीज़ करने के लिए, किसी के अकाउंट को हैक करने के लिए या किसी गलत वेबसाइट पे जाने के लिए जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया है, आप वहाँ पे जाकर ओपन करते हैं और चेकिंग के दौरान आप फंसते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अगर आपके मोबाइल में गलत वीडियो मिलता है तो मोबाइल चेकिंग तो नहीं होता है, लेकिन चेकिंग के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर सख्त एक्शन लिया जा सकता है, 3 मिलियन रियाल तक का फाइन है, यहाँ तक गवर्नमेंट का कानून है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बहुत सख्ती से मना किया है। अगर आप ये गलती करते हैं तो ये फाइन आपके ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा 2020 में एक इंसान अपने फैमिली से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, वो जिद कर रहा था, काम के दौरान वो ओपन करके दिखाया, अपने फैमिली को देखा तो कैमरा में कैद हो गया, सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया, वो साइड में आकर बात कर रहा था तो उस कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, सऊदी ने देखा, फौरन इसके ऊपर एक्शन लिया, पुलिस बुलाया, इसको गिरफ्तार करवा दिया कि ये गलत चीज़ देखता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो लोग भी अनलिमिटेड इंटरनेट चलाते हैं वीपीएन को कनेक्ट करके, तो ये चोरी हुआ, आप करते हैं अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, कोई भी गारंटी नहीं कि आप कितना करते हैं और काफी दिनों से ये चला रहा है, लेकिन कानून के हिसाब से इसे देखा जाए तो ये गलत है। काफी लोग पर्सनल चलाते हैं, किसी को बताते नहीं है, सेल नहीं करते हैं, लेकिन काफी लोग इसका बिजनेस करते हैं, बिजनेस बना लिए हैं। इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं तो काफी दिनों से कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, मसला कुछ नहीं है, लेकिन ये कानून के हिसाब से देखा जाए तो गलत है। कोई भी इंसान अगर आपके ऊपर कंप्लेन करता है पुलिस के ऊपर कि ये इंसान ऐसा ऐसा कारोबार करता है और ये अपना कारोबार चलाकर सेल करता है, वीपीएन को फ्री में देता है, या इंटरनेट चलाने के लिए हो या किसी और काम के लिए हो, अगर आपका मोबाइल चेक किया जाता है, क्योंकि आपके ऊपर कंप्लेन होता है तो पुलिस फौरन आपका मोबाइल जब्त कर लेगी और वहाँ पर वो चेक करेगी, अगर आप फंसते हैं तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। उसके बाद जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो हम अनलिमिटेड इंटरनेट फ्री में चला रहे हैं, क्या घर जाने के टाइम में मुझे बिल पे करना होगा एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे कहीं चेकिंग के दौरान मुझे फंसाया ना जा सके, क्योंकि मैं अनलिमिटेड इंटरनेट चलाता हूँ,
कनेक्ट करके, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरे भाई घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट पे कुछ भी चेक नहीं किया जाता है, आपका मोबाइल भी चेक नहीं किया जाएगा और आपका जो भी एकामा है उस पर कितना बिल है वो भी चेक नहीं किया जाएगा और ये बिल आपके नाम पे नहीं चढ़ाया जाएगा। आप जितना मर्जी है इंटरनेट चला लें अनलिमिटेड, आपके नाम पे नहीं चलेगा। लेकिन आपके नाम पे पोस्टपेड सिम है तो फिर आपके नाम पे चढ़ सकता है। आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, आप सोचेंगे कि हम वीपीएन के जरिए चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके नाम पे चढ़ाया जा सकता है, आप फंस सकते हैं। तो प्रीपेड सिम है तो आप आसानी से चला सकते हैं, लेकिन पोस्टपेड सिम है तो ये गलती ना करें। तो वीपीएन का इस्तेमाल 99% लोग करते हैं गल्फ कंट्री में, मैं भी करता हूँ, मैं भी काफ़ी चीज़ों को ओपन करने के लिए काफ़ी चीज़ नहीं हो पाता है तो वीपीएन के जरिए करते हैं, ताकि यहाँ का लोकेशन हटकर कहीं और का लोकेशन आ जाए। तो लास्ट में यही बताना चाहूँगा, अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो बिंदास कर सकते हैं, लेकिन वीपीएन का इस्तेमाल मियाँ खलीफा को देखने के लिए बिल्कुल ना करें। अगर देखने के लिए भी करते हैं तो मियाँ खलीफा को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके बिल्कुल ना रखे, नहीं तो शक के बुनियाद पे भी है, जैसा कि अभी 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है फ्रॉड के केस में, उन लोगों का मोबाइल भी चेक होगा। अगर ऐसे में अगर आपका भी नाम आता है या शक के बुनियाद पे आपको भी पकड़ा जाता है तो आपका मोबाइल चेक किया जाता है और उसमें आपका जो भी निकलता है डिटेल्स या वीडियो, तो और भी आप फंस सकते हैं, शक के बुनियाद पे आप फंसेंगे, लेकिन हकीकत में आपको फंसा दिया जाएगा कि ये चीज़ ये करता है और ये चीज़ कहाँ से लाया। तो मेहरबानी करके अपने मोबाइल में कोई भी गलत चीज़ न रखें, जिस तरह से अपना दिल साफ रखते हैं उसी तरह से अपने मोबाइल का गैलरी भी साफ रखें, ताकि कोई भी इंसान आसानी से आपके मोबाइल को भी चेक कर सके। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।